आइए आज बात करते हैं दारू व्यसन मुक्ति की समस्या। आपका स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार से शोक सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। ये हमारे दो हॉस्पिटल है, जिसमें एक हॉस्पिटल में हम मानसिक रोगों को भर्ती करके उनका इलाज करते हैं, एक हॉस्पिटल जो है वहाँ शराब के जो नशा है उसके मुक्ति के लिए लोगों को एडमिट करते हैं, वहाँ बाकी भी मेंटल पेशेंट बिना रिलेटिव के बिना सरों के हम एडमिट करते रहते हैं। अभी 2 अक्टूबर को हमने महात्मा गांधी जयंती का मतलब मनाई, और उसी दिन ये अल्कोहल के बारे में मतलब अल्कोहल निषेध दिन करके वो उसका ऑब्जर्व किया गया। तो ये अल्कोहल समस्या है क्या? बहुत बड़ी समस्या अभी मतलब वो बहुत ज़्यादा बड़े रूप में सामने आ रही है। करीब हमारे देश में 4.6 लीटर अल्कोहल हर व्यक्ति हर साल पीता है, और हमारे देश में कम से कम 2.5 लाख लोग सिर्फ शराब की वजह से मरते रहते हैं। पूरे दुनिया में 23 करोड़ 70 लाख लोग पुरुष और 4 करोड़ 60 लाख महिलाएं दारू की वजह से बीमारियां होती है उसकी वजह से मरते हैं। सिर्फ शराब की वजह से 33 लाख लोगों की मृत्यु दुनिया भर में होती रहती है हर साल, और एक मृत्यु हर सेकंड में शराब की वजह से होती रहती है। 20 मृत्यु के पीछे 1 मृत्यु शराब की वजह से है, मतलब इतना बड़ा प्रमाण उसका हो रहा है। देखो, इसमें शराब में क्या होता है कि आदमी ड्राइविंग करता है, उसको किक बैठती है, ड्राइविंग करता है, तो ड्राइविंग में क्या होता है उसका बैलेंस निकल जाता है। बैलेंस क्यों निकल जाता है कि जो इनिबिटरी सिस्टम जो है ब्रेन की, जो इनिबिट करती रहती है, रोकती है, हर बार अपने को रोकथाम लगाती है, उसको विड्रॉ करता है अल्कोहल, मतलब जो रोक करने वाली सिस्टम है उसको रोक देता है। तो फिर क्या हो गया, ब्रेन बेछूट हो गया, खुल गया पूरा, और फिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता। किसे झगड़ा करना है तो आदमी क्या करता है, शराब पीता जाके झगड़ा करेगा। किसको कुछ बोलना है, वैसे हिम्मत नहीं होती, शराब पियेगा जाके उसको कुछ बोल देगा, उसको वो डेयरिंग आ जाता है शराब के बारे में। क्यों? क्योंकि डोपामिन लेवल जो है ब्रेन की वो 40% से लेकर 360% तक बढ़ जाती है, और फिर उसमें आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। शराब की वजह से ड्राइविंग बराबर होती नहीं है, फिर ड्राइविंग से डेथ होती है, मतलब एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें डेथ हो जाती है, लीवर के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कैंसर, अलग अलग अवयवों को कैंसर हो जाता है। करीब करीब हमारे देश में 15% लोग शराब पीते रहते हैं, और 10 और 75 यह उम्र के लोग, इसमें 2.7% लोगों ने कम से कम एक पैक तर भी रोज का वो लेते रहते हैं। अभी हमारे देश में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये राज्यों में बहुत ज़्यादा शराब लोग पीते रहते हैं। शराब से फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, फैमिली में झगड़ा, झंझट, काफ़ी सारे मतलब बहुत समस्या फैमिली में फाइनेंशियल निर्माण हो जाती है, तनाव आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, आदमी वो शराब के लिए पैसे होना करके बीवी को मारेगा, बच्चों के पैसे ले लेगा, वो उनको कुछ भी मतलब तमाशा घर में करेगा, ताकि उसको एक ही चीज़ चाहिए कि वो शराब चाहिए उसको, और शराब के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। एक बार जाके शराब पी लिया कि उसको लगता है कि भाई सब छूट गया, अभी बस अभी ठीक हो गया अभी, और जाके फिर सो जाएगा या कुछ भी करेंगे, खाएंगा पिएंगा। शराब से B12 लेवल जो है विटामिन की वो कम हो जाती है अपने शरीर की। शराब में गुना मतलब ये बहुत ज़्यादा ऐसे क्रिमिनल एक्ट आदमी करते रहता है, B12 कम होने से काफ़ी सारी बीमारियाँ हो जाती है। तो इसलिए शराब का जो व्यसन है उसका इलाज होना जरूरी है। हमारा जो हॉस्पिटल है इसमें हम शराब मुक्ति के लिए हमने अलग एक वार्ड खोल के रखा हुआ है, एक हॉस्पिटल है जहाँ विदाउट रिलेटिव्स या विद रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदारों के साथ में, रिश्तेदारों के अलावा हम लोगों को भर्ती करते हैं, उनका इलाज करते हैं। 1 से 3 महीने तक लोगों को भर्ती करते हैं, उसमें उनको अलग तरह की दवाइयाँ देते हैं, IV फ्लूइड्स देंगे, उसमें विटामिन जो कम हुए हैं वो विटामिन देंगे, उसको फैमिली थेरेपी, साइकोथेरेपी देते हैं, हिप्नोथेरेपी देते हैं, सम्मोहन उपचार करते हैं, और डायसल्फिराम नाम की जो दवा आती है वो देते हैं, और वो उसको बोलते हैं कि डायसल्फिराम कम से कम 1 साल तक लो। डायसल्फिराम से होता क्या है कि डायसल्फिराम के लेने के बाद यदि शराब लिया तो डायसल्फिराम की और अल्कोहल की रिएक्शन आती है, और रिएक्शन से उसको पसीना आना, हाथ पैर थरथराहट होना, चक्कर आना, पूरा बदन लाल हो जाना, घबराहट, ऐसे लक्षण दिखते हैं, ऐसा उसको लगता है कि अपन मर जाएंगे, और फिर इसके लिए वो शराब पीता ही नहीं, कि उसको डर रहता है कि मैं इसके ऊपर यदि शराब पीऊँगा तो मर जाऊँगा। तो ये हम फैमिली मेम्बर को बोलते हैं भाई इनको सवेरे शाम ये गोली देते जाओ, और जिसको एट द स्पर ऑफ द मोमेंट गोली लेने की शराब लेने की इच्छा होती है कि सवेरे उठता है वो, उसको लगता है कि मैंने भी शराब बंद करना चाहिए, वो दिन भर बिल्कुल पक्का मन रखता है, शाम हो गई कि उसको ऐसा एकदम ऐसा आ जाता है कि वो जाके शराब पिएगा। तो जब ये गोली लेता होगा तो फिर ऐसा जाके
आदमी लेगा नहीं शराब, तो ऐसे इस तरह का इलाज हो जाता है, हो सकता है। आपके जितने भी लोग हैं उनको आप ये वीडियो शेयर करो, क्यों? क्योंकि हर 6 शराब भी लोग जो है, जो कभी कभी शराब पीते हैं, कभी कभी शराब पीने वाले लोग, हफ्ते में एक आधी बार दो बार पीते हैं, तो हर 6 ऐसे लोग हैं उनके पीछे एक आदमी जो है ना वो नशाखोर बन जाता है। तो हमको बताना है कि कौन सा आदमी नशाखोर बनेगा, कौन से आदमी को व्यसन लग जाएगा। इसलिए सभी शराबी जो शराब पीने वाले जो लोग हैं उनको ये वीडियो शेयर करो आपके दोस्तों में, ताकि लोगों को अवेयरनेस के बारे में हो जाएगा। ये मतलब ये जो अभी जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, इसमें मैं गवर्नमेंट को डिमांड करूँगा कि भाई शराब मुक्त अपना देश होना चाहिए। जैसे पूरा गुजरात जो है वहाँ शराब बेची नहीं जाती है ना, ड्राई है पूरा स्टेट। महाराष्ट्र में जैसा सेवाग्राम है पूरा ड्राई है, मतलब वर्धा जिला जो है वो, तो ऐसे पूरा हमारा देश यदि ड्राई हो जाता है शराब मुक्त, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम निकल जाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।